बूंदी के सर्द मौसम के अंदर भी अपनी जिद और अपने लक्ष्य के लिए कि किस तरीके से जो हमने कौशल प्राप्त किया है, जो हमने शिक्षा प्राप्त की है, जो हमने हुनर प्राप्त किया है, उस शिक्षा, उस कौशल, उस हुनर को हम अपनी सेवाएं देकर देश और राष्ट्र के नवनिर्माण में क्या योगदान दे सकते हैं, इसके लिए बूंदी हाड़ौती संभाग राजस्थान पर से आए मेरे युवा साथियों, माता और बहनों, मैं आपका इस हाड़ी रानी बूंदी के अंदर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में बूंदी के लोकप्रिय विधायक माननीय अशोक डोगरा जी, बूंदी नगर परिषद की चेयरमैन श्रीमती मधु नुवाल जी, तालेड़ा पंचायत समिति के प्रधान जी और स्किल डेवलपमेंट एनएसडी के मुख्य कार्यकारी वेदमणि तिवारी जी, रीजनल डायरेक्टर श्री नायक जी और देश की अलग अलग राज्यों से आए 80 कंपनियों के वो अधिकारी और कर्मचारी जो यहां पर इस कौशल मेले के अंदर मेरे नौजवानों को, मेरी बहनों को जो कुछ भी उन्होंने जीवन में सीखा है, शिक्षा से, कौशल से, उनको रोजगार देने का प्रयास करेंगे। मुझे खुशी है कि इस बूंदी के अंदर आज देश भर की 80 से ज्यादा कंपनी आई है, जिसमें बड़ी कंपनियों के रूप में लार्सन एंड ट्रूबो आई है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र के अंदर, अन्य क्षेत्रों के अंदर काम करती है, टाटा कैपिटल आई है, जो स्किल के क्षेत्र में भी काम कर रही है, जो सर्विस सेक्टर के अंदर काम कर रही है, टीवीएस सप्लाई चेन आई है, वेल स्पेंशन इंटरनेशनल आई है, अंबुजा सीमेंट आई है, सिंथेटिक्स आई है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां आई हैं, जो कंपनियां अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारे वर्क फोर्स है, उनको नियोजित करने का काम करेगी। और ये नौजवान उस कंपनियों के अनुभव, कार्य संचालन और उनसे सीखकर देश और राष्ट्र की सेवा भी करेंगे और अपने स्किल्ड को और बेहतरीन करने का काम करेंगे। साथियों, आज दुनिया के अंदर भारत वह देश है जो आर्थिक रूप से सबसे तेजी से चलने वाली अर्थव्यवस्था वाला देश है। दुनिया के अंदर भारत सबसे विशाल विविधता वाला और सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है।